टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। भाई चलोगे? हसी साहब रुके। हाँ फीके। अरे भाई तुम्हारा रिक्शा किधर है? हसी साहब आज रिक्शा घर पे खड़ा है, आज भी नहीं लाया। क्यों, क्या बात है? हसी साहब मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ कहो। हसी साहब आप मेरे बाबा को तो जानते हैं ना, आग चली गई। अरे ये तो बड़े दुख की बात है, ये कैसे हुआ? कोई हादसा था क्या? नहीं साहब हादसा तो नहीं हुआ, उनकी आँख लाल लाल रहती थी और आंखों से पानी भी बहता रहता था। आप तो जानते हैं, आप तो कई बार बाबा के साथ रक्षा में सफर किया है आपने। कल साहब कल क्या हुआ कि बाबा मिश्री शाह से गुजर रहा था तो वहाँ सांड का तेल बेचने वाला है हकीम सुरमा बेच रहा था। बाबा वो सुरमा ले आया और बताया कि इसके लगाने से आँख की लाली जाती रहेगी। हकीम ने खुदा और रसूल की कसम खाकर कहा है कि बल्कि यहाँ तक कहा है कि अगर लाली ना जाए तो क़यामत के दिन मेरी गर्दन पकड़ लेना। तो साहब जी मैंने भी कहा कि चलो हकीम अल्लाह और रसूल को बीच में डालना है तो सिलाई फेर के देख लो आँखों में थोड़ी। अम्मा ने भी यही सिला दी तो उसने लुकमान हकीम हिकमत का बादशाह का नारा लगाया और सिलाई आंखों में पहन ली। उसके बाद आप थक गए होंगे, आप होटल पे चलेंगे आपको बताता हूँ। अरे भाई क्या हो गया फीके, तुम भी हद करते हो। आगे बताओ फिर क्या हुआ है? फीके मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखों क्या हो गया? फीके मेरी आंखों क्या हो गया? फीके आपका भला कर रहा थी तो रात तो जैसे तैसे गुजार दी। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो चाचा रशीदी ने बताया कि पालक का साग बांध कर हाथ में लगाओ। अरे पालक की पट्टी रखो उसके ऊपर, ठीक है ना, पीस कर उसको पानी मिलाकर तो आराम आ जाएगा 2 घंटे के अंदर। अरे बहुत तकलीफ हो रही है पीके, मुझे अरे अब्बा तू चुप तो कर बच्चों की तरह। अरे हाथ तो हटा, हाथ तो हटा लगा। अरे सब खुल जाएगा, अरे सब खुल जाएगा, सब खुल जाएगा, सब खुल जाएगा। अरे तूने क्या लगा दिया मुझे? चाचा रशीद ने बताया मुझे ये परेशानी हो, लेकिन इसका लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा की तकलीफ में कोई कमी आई अब ने जाके अब क्या जतन करते हो? आगे दिया तो कुछ नहीं, हमारे घर में तो जैसे टॉप पड़ गई।
साहब जी फिर ऐसा हुआ कि हमसे एक अस्पताल ले गए, फिर दूसरा अस्पताल ले गए, लेकिन कोई जगह नहीं मिली। लेकिन फिर वहाँ हमारे कोचवान के बेटा है ना ड्राइवर, उसने बताया कि उसका साला शहर में अस्पताल में कोई सिंह अस्पताल है, वहाँ पर ड्राइवर है। तो साहब जी अब उसकी सिफारिश से हमें वहाँ जगह तो मिल गई, जगह मिल गई, लेकिन लेकिन बरामदे में जगह मिली है। चले चले वो भी कोई बात नहीं, बरामदे में जगह मिली कोई बात नहीं। लेकिन साहब जी इतने घंटे गुजर गए, क्या डॉक्टर तो क्या और किसी नर्स का पता नहीं है। आप तो साफ लोग हैं, आप मेरे साथ अस्पताल चले, तो वहाँ चल के किसी से सिफारिश करें, किसी को बोले कि मेरे बाबा को देखे, बाबा चल गए, मैं अपने बाबा से देखे। देखो मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, तुम अस्पताल जाओ, वहाँ पर एक डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल जब्बार, ठीक है, उनसे मिलो, मेरा सलाम देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, परेशान मत हो। मुझे अभी इस वक्त एक दावत में जाना है, और अगर वो ना मिले तो मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगा, तुम फिक्र मत करो। नाम याद रखना, क्या है? डॉक्टर अब्दुल जब्बार। बहुत बहुत शुक्रिया जी साहब, आप रुके, मैं जाके आपके लिए रक्षा लेके आता। अरे नहीं नहीं, तुम रशीद वो छोड़ दे, तुम अस्पताल जाओ, मैं पकड़ लूंगा रक्षा, जाओ तुम जाओ। रक्षा अजीज एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम था, दरमियाने दर्जे के ओहदे पर फाइज था और हफ्ते में दो बार किसी बहाने से जरूर छुट्टी कर लेता था। ताल्लुक भावलपुर से था, लेकिन नौकरी की खातिर बरसों से कराची में ही मुकीम था। अजीज ने अभी तक शादी नहीं की थी, जिस पर उसकी माँ को शदीद परेशानी, दुख और दीगर रिश्तेदारों को तरह तरह के शक व शुबात थे। लेकिन अजीज इन बातों को खातिर में ना लाते हुए अपनी जिंदगी में मगन और एक तरह से खुश ही था। काम से कोई खास लगाव इसको कभी भी ना था और खाना पूरी की हद तक वो नौकरी पर ध्यान दे देता। फीके से मिलने के बाद अजीज का गुजर कुछ घंटों बाद इत्तफाकन उसी अस्पताल के सामने से हुआ। अजीज ने फीके को देखा तो समझ गया कि चौकीदार इतनी आसानी से डॉक्टर से मिलने नहीं देगा। एक बार तो उसके जी में आया कि रुक कर डॉक्टर जब्बार से कह दे, लेकिन अजीज को पहले ही देर हो चुकी थी। यही तो एक वक्त था जब वो उसे देख सकता था। वो रुके बगैर आगे बढ़ गया और फिर भीड़ में थोड़ा आगे रुकते हुए उसे डॉक्टर जब्बार भी नजर आ गए। जब्बार साहब, एक मिनट यार। मगर अजीज से उतरा ना गया। अच्छा चलो चलो। उन आंखों ने उसे जकड़ रखा था। उसने सोचा कि कल वो पहला काम यही करेगा कि डॉक्टर जब्बार से फीके के बाप की बात कर ले। अभी उसे बस उन आंखों तक पहुंचना था जिनमें वो डूबता ही जा रहा था और गहराइयों से उभरने की हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। अभी बस उसे अपने घर पहुंचना था। जी वो खालिद साहब हैं? वो तो सब दफ्तर में होते हैं। अच्छा, मैं शाम को पता कर लूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उसका फ्लैट अजीज के फ्लैट से कुछ ही दरवाजे दूर था। उसके हुस्न ने अजीज को एक अजब सहर में जकड़ दिया था। उसे दोबारा देखने के लिए अजीज ने उसके शौहर खालिद से कुछ दोस्ती पैदा की।
कम से कम खालिद से मिलने के बहाने वो दरवाजे की आड़ से ही सही उसको उसकी आंखों को देख तो पाता था। जाता वो हमेशा दिन में था जब वो जानता कि खालिद दफ्तर गया हुआ है। हाँ, अभी आप नीचे गए हुए थे तो कोई फीकर ड्राइवर आया था। वो कह रहा था कि जैसे आप आए तो उसे नीचे से बुला लें। यार इसका क्या बात होगी, सुबह बुला लूंगा। मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाओ। सुनो सुनो सुनो, वो सुबह धोबी से कपड़े ले आना, मेरी एक ही कमीज साफ रह गई है बस। जैसे ही दुकान खुलेगी मैं ले आऊंगा। ठीक है, और ये भी साफ कर लेना। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं रोज ही साफ करता हूँ। खुदा हाफिज। दानिशमंदी के तहत वो कभी कभार शाम को खालिद के साथ भी मिल बैठता। ऐसी ही एक बैठक में उस पर इंकशाफ हुआ कि उन सहर अंगेज आंखों वाली का नाम भी सहर था, सहर खालिद। अफसोस, सद अफसोस, अजीज के दिल में एक आ उठी कि काश वो सहर खालिद ना होती, सिर्फ सहर हो। अफजल, देखना कौन है। अफजल किधर मर गया यार? आ रहा हूं। वालेकुम सलाम। फीके आ जाओ आ जाओ। क्या हाल है, क्या बना? वो डॉक्टर साहब ने क्या कहा? साहब वो डॉक्टर साहब आज ड्यूटी पर नहीं थे। अच्छा, उनकी आज दिन की ड्यूटी है। क्या मतलब? यानी तुम्हारा बाप सारा वक्त बरामदे में गर्मी में पड़ा रहा? जी हाँ। अच्छा, ये तो ऐसी कोई बात नहीं बाबूजी, आपने हमारा घर नहीं देखा, 10 साल से छप्पर में पड़े। और वो उसकी आंख? वो तो चली गई ना बाबूजी। चली गई? अरे चली गई तो फिर बूढ़े बाप को लेकर अस्पताल में क्यों घसीट रहे हो? इस तरह तो वक्त भी जाया होगा और रुपया भी। बाबूजी क्या पता आंख के किसी कोने खुदरे में विनायक का कोई भूरा पड़ा रह गया। अब देखिए ना कि चूल्हा बुझ जाता है जब भी देर तक रात में हाथ तो नहीं डालते ना, कि क्या पता कोई चिंगारी सुलग रही है। बाबूजी आप मेरे साथ चले चलिए ना। कहाँ? अस्पताल। हाँ अस्पताल, लेकिन यार फीके मैं तो अभी सही से नींद भी नहीं की और शेव भी करनी पड़ेगी, नहाना भी पड़ेगा, बड़ा टाइम लग जाएगा। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें अपना कार्ड देता हूँ, वो डॉक्टर साहब को दे देना, बड़े यारबाश आदमी है, फटाफट तुम्हारा काम कर देंगे। एक दफा तुम्हारा बाप वार्ड में चला जाए ना, फिर इलाज के लिए मैं खुद कहने आ जाऊंगा। ठीक है, बल्कि मैं तैयार हो गया आ ही जाऊंगा, तुम ठहरो मैं कार्ड लेके आता हूं। हाँ ये मैं इसके पीछे तुम्हें लिख के भी दे रहा हूं, ये लो, ये डॉक्टर साहब को दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका भला करे साहब जी, अल्लाह आपको खुश रखे बाबूजी। अफजल काम मर गया कम्बा। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब हैं? वो सब दफ्तर में होते हैं। अच्छा, मैं बाद में आ जाऊंगा। खुदा हाफिज़। कोई पैगाम? जी नहीं, मैं
शाम को आ जाओ। अच्छा साहब जी, आप दिन भर घर से बाहर रहे और मैं आपके घर के चक्कर काटता रहा। हुआ क्या है साहब जी? मैं अस्पताल गया था, वहाँ डॉक्टर जब्बार साहब बैठे तो थे लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया। कहते हैं कि अपनी बारी पर आना, और मेरी बारी आई नहीं। साहब जी, जब घुटना शलवार में से झांक रहा हूँ तो बारी कैसे आई? अरे वाह फीके, आज तो तूने मुझे चमका दिया है। यानी तेरे अंदर एक और बड़ा हसास किस्म का फीका न जाने कितने बरसों से छुपा हुआ है। बस साहब जी, बस फीके बस। मैं कल सुबह तेरे साथ जरूर चलूंगा, आज की रात गुजारा कर ले। मैं सुबह उठते ही तैयार होके सबसे पहले तुझे बुलाऊंगा, ठीक है? पक्का? पक्का, हाँ हाँ पक्का, फिक्र ना कर, ठीक है? सुबह मिलते हैं, टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह हाफिज़। लेकिन दूसरे दिन सुबह ही उसे दफ्तरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। अपने बड़े अफसर के सामने ना ही वो फीके का बहाना कर सका और ना ही जाने से पहले शहर का दरवाजा खटखटाकर उसकी एक झलक देख पाया। काम दूसरे दिन पर भी चला गया, लेकिन वापसी के वक्त वो 1 किलो खास हलवा खरीदना नहीं भूला। ये उस छोटे से कस्बे की खास सौगात थी। फीका आया था। कब आया था? कोई 4 दफा आज और 4-5 मरतबा कल। आपका मोबाइल नंबर मांग रहा था लेकिन मैंने नहीं दिया। अच्छा किया नहीं दिया यार, उधर मथेलो से मैं क्या बातें करता उससे। वैसे भी वो डॉक्टर साहब का नंबर पता नहीं कहाँ मेरे मोबाइल में खो गया है, वरना कब का उनको कॉल कर चुका होता। कौन सा डॉक्टर? अरे तुम छोड़ो डॉक्टर को यार, तुम ऐसा करो जाकर जल्दी से 1 कप चाय बनाओ और उसके बाद फिर खाना लगा देना, ठीक है? मैं बहुत थक गया हूँ, आज जल्दी सोऊंगा। ठीक। दरअसल अजीज को यह रात गुजरने और सुबह होने की जल्दी थी। पहली बार वो शहर को कुछ देने जा रहा था और ये ख्याल उसे एक बच्चे की तरह बेताब किए हुए था। जी शाम को खालिद आएंगे तो मैं उन्हें मिठाई दे दूंगी। जी ठीक है। सुनिए आप भी इसे जरूर चखिएगा, बड़ी खास मिठाई है, मैं मथेलो से लेकर आया। जी जरूर चखूंगा, शुक्रिया। अरे शुक्रिया कि खुदा हाफिज। खुदा। क्या ही लजीज हलवा लेकर आए आप अजीज भाई, बाखुदा आधे से ज्यादा डिब्बा तुम खत्म कर चुके हैं। खालिद भाई आप बार बार शुक्रिया कहकर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अंदर चलें, एक कप चाय हो जाए। अरे नहीं नहीं, यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा है और वैसे भी अजीज भाई आप जानते हैं बच्चे तो हमारे हैं नहीं है, तो घर में जो भी कोई चीज़ आती है वो हम फौरन हड़प कर जाते हैं, चाहे कोई चॉकलेट हो मिठाई हो। वैसे शहर तो नहीं, मैं ही ज्यादा हड़प कर लेता हूँ। हाँ आपने बताया था कि आपके बच्चे नहीं हैं। हाँ यार अल्लाह की मर्जी है। हाँ बेशक बेशक। वैसे आपसे फिर भी आगे हैं, शादी तो कर ली ना हमने, आप तो अभी तक इस मरहले में पहुंचे ही नहीं हैं, क्या बात है? बात क्या होनी खालिद भाई, बात कुछ भी नहीं है, बस ये भी ऊपर वाली की मर्जी है शायद। दरअसल बात बनते बनते कभी बनी नहीं। तो अभी कौन सी देर हुई है, फोकस करते हैं तुम्हारी शादी पे। सहर को कहता हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की देखे तुम्हारे लिए। अरे नहीं वैसा मत भूलिएगा, कभी भी नहीं। असल में मैंने अभी तक इरादा ही नहीं किया शादी का। क्यों भाई क्यों, वाय कौन सी कहानी छुपा रखी है अपने दिल में? कहानी? नहीं नहीं कहानी कोई कहानी नहीं है। असल में खालिद भाई आपसे क्या छुपाना,
अगले 3 दिन अजीज ने ज्यादातर घर पे ही गुजारे। दफ्तर वो चंद घंटों के लिए ही जाता था। सरकारी दफ्तर में हाजिरी लगाने के बाद जल्दी रफू चक्कर हो जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। हैरत ये थी कि इन पिछले 3 दिनों में फीका एक बार भी उसे ढूंढते हुए घर नहीं आया था और ना ही वो उसे नीचे रक्षे के अड्डे पे नजर आया था। अजीज को कुछ सुकून हुआ और थोड़ी नदामत भी कम हुई कि जरूर फीके का डॉक्टर जब्बार से काम बन गया होगा। बहाने भी खत्म हो गए मेरे पास। और चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं शुक्रिया, वो खालिद भी अभी तक नहीं आए, काफ़ी टाइम हो गया। मेरा ख्याल है मैं चलूं, देर हो गई। अच्छा वैसे अगर आप चाहें कुछ देर और रुक सकते हैं, खालिद शाम तक वापस नहीं आएंगे। मगर आपने तो है कहाँ, इतने दिन हो गए हैं नजर ही नहीं आ रहा। उसके अब्बा की कोई खैर खबर है या नहीं? उसके वाले साहब तो हॉस्पिटल में ही हैं। फीका बता रहा था कि वार्ड में जगह मिल गई है उनको। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर जगह मिल गई। हाजी साहब, लो ये तो आ गया भाई। कहाँ गायब हो भाई इतने दिनों से हैं? डॉक्टर जब्बार ने तुम्हारा काम कर दिया ना? साहब डॉक्टर जब्बार साहब तो मुझसे मिले ही नहीं। मैंने उन्हें फोन कर दिया था। अच्छा हाँ हाँ, जब ही मैं बोलूँ कि नर्स बार बार क्यों कह रही थी कि बुड्ढे का ख्याल रखना। जी अजीज साहब, अल्लाह का शुक्र है कि बाबा की आँख का ऑपरेशन हो गया है, कल पट्टी खुल जाएगी, आप दुआ कीजिएगा बस। अल्लाह रहम करेगा, फिक्र मत करो। अब बेहतर तो फील कर रहे हैं ना? जी जी बेहतर है। मैंने जवाहर साहब को कहा था बहुत खास किस्म का ख्याल रखना है उनका। मैं आपके एहसान मंद हूँ जिंदगी भर साहब जी। अरे नहीं कोई ऐसी बात नहीं, चलो आज चाय पीते हैं और गप लगाते हैं। जी सर जी, चलो आ जाओ। अजीज अब शहर के जादू में पूरी तरह डूब चुका था। यह सब उसके किसी भी हसीन तरीन ख्वाब से बढ़कर था और शहर ने खुद उससे मरासम बढ़ाने की पहल की थी।
वो पट्टी खुली तो पता चला कि एक आंख तो गई थी, दूसरी पर भी असर पड़ गया। अब डॉक्टर कहते हैं कि पहले ऑपरेशन का जख्म थोड़ा भरेगा तो फिर आंख का दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और साहब जी दूसरी आंख का भी ऑपरेशन होगा। समझ में नहीं आ रहा कुछ साहब जी। कैसे हो गया? खैर तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर जवाहर से बात करता हूँ, मैं अस्पताल जाकर उनसे मिलूंगा, नहीं मिले तो मैं रात को घर जाकर उनको पकड़ लूंगा। साहब जी बस मैंने कहा ना, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद डॉक्टर जब्बार से तफसीलन पता करूंगा कि इन आंखों को हुआ क्या है। साहब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी आपका, ये आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब जी। अल्लाह अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका घर बसाए साहब जी। हाँ नहीं, परेशान मत हो साहब, डॉक्टर साहब से बात करी कर लूंगा, मैंने कहा ना मैं कर लूंगा, पानी पियो, हौसला कर ये पी के तुम अस्पताल जाओ, मैं भी 20 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है आप आ रहे हैं? हाँ मैं आ रहा हूँ। अजीज ने घर से निकलते वक्त पूरी नियत की थी कि वो सबसे पहले अस्पताल जाकर फीके के बाप के मसले को देखेगा, लेकिन उसके कदम रुके। शहर की आंखों ने एक खामोश बुलावा भिजवाया और वो खुद ब खुद उसके घर की तरफ चल पड़ा। सहर दरवाजा खुला छोड़कर अंदर चली गई। अजीज अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा बंद हुआ और फीके के बाप का ख्याल दरवाजे के बाहर ही राहदारी में पड़ा रह गया। अजीज मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, सच में I really love you. वो फीके के बाप का ऑपरेशन हो गया कि नहीं? हाँ मेरी बात उससे हुई थी, वो कह रहा था हो गया ऑपरेशन। अच्छा तो फिर क्या बना, कामयाब हुआ कि नहीं? हाँ मैंने उससे पूछा भी नहीं ना उसने मुझे बताया। खैर गार्डन चलोगे? जी जी सर बैठे गार्डन। कितने पैसे लोगे? अरे सर आप दे दीजिएगा जो दिल करे आपको सर। अरे भाई फिर भी बता तो दो सर। 500 दे दीजिएगा। अरे नहीं भाई 500 नहीं। अरे सर बैठे सर क्या हो गया सर, 250 में आता जाता हूँ हमेशा। अरे सर 250 आपको पता है, चले आप 50 बढ़ा के दे दीजिएगा। यार तुम तो चलो 250 ही दूंगा, अब जिद ना करना मेरे साथ। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है खालिद भाई, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? अजीज भाई वो सहर। जी जी वो आपकी वाइफ? हाँ वो क्या बताऊँ, सहर हॉस्पिटल में है और मैं भी वहीं जा रहा हूँ, शायद रात वहीं रुकना पड़े। हॉस्पिटल में क्या हुआ सहर मोहतरमा को? कल हमारे एक अजीज हमारे घर आए और उनकी बहू भी साथ थी और सुरमा ले आई वो शहर के लिए तोहफे में, कहने लगी किसी हकीम साहब ने तैयार किया और बड़ा अच्छा है, मुफीद रहेगा तुम्हारी आंखों के लिए। और आज जब उसने लगाया तो शदीद दर्द महसूस करने लगी। शाम तक हालत गैर हो गई थी, मैं घर पहुंचा तो चीख चिल्ला रही थी, कह रही कुछ नज़र नहीं आ रहा।
शदीद तकलीफ में थी, उसे हॉस्पिटल पहुँचाकर उसकी माँ और बहन को इतला दी थी और फिर आया था कि कुछ सामान ले लूँ। और ये हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, मैंने कहा इनको भी साथ ले चलूँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, डॉक्टर अहमद नाम है इनका। खालिद भाई वक्त बहुत कम है, ऑपरेशन फौरन करना पड़ेगा, अभी चलें। डॉक्टर साहब वो उनकी आंखें तो ठीक हो जाएंगी ना? देखिए ऑपरेशन होने दें, ऐसा हालत सीरियस है और ठीक होने के चांस बहुत कम है। हॉस्पिटल कौन सा है? मेडिकल प्लाजा। अजीज साहब, अजीज साहब, अजीज साहब, अजीज साहब, अजीज साहब, मेरी को समझ में नहीं आ रहा, मेरी को समझ में नहीं आ रहा अजीज साहब। क्या हुआ फिक्की? साहब जी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं तो कैसे करूं। साहब जी मेरा बाप ठीक हो गया, हाँ उसकी दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हो गई साहब जी, हाँ उसको बिना ही साहब जी अल्लाह ने दिए और आपने दिए साहब जी, साहब जी आपने मुझे खरीद लिया साहब जी, खुदा की कसम साहब जी जिंदगी भर आपका नौकर बन गया रहूंगा साहब जी, नौकर बन गया रहूंगा साहब जी। और हाँ साहब जी, अगर आप सिफारिश नहीं करते ना तो मेरे बाप के आगे कभी जाते साहब जी, कभी जाते साहब जी, कभी जाते। फिके मुझे वो बड़े अस्पताल से जरा छोड़ दे। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन साहब जी हुआ क्या है आपको? कुछ नहीं साहब जी, ये क्या है साहब जी? पता नहीं, जो भी है तू रख ले। ठीक है मुझे मुझे वहां छोड़ दे बड़े अस्पताल। हाँ साहब जी बिल्कुल, आइए आइए साहब जी आइए। मेरी आंखें, मेरी आंखें।